हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ सलोनी जैन है जिनका MSCET 3 इयर्स LLB एग्जाम में 109 स्कोर आया था और अब इनका एडमिशन जो है वो हो गया है शंकर राव चौहान कॉलेज ऑफ पुणे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सलोनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ पुणे। आपको कैसा लग रहा है फाइनली आप एक अच्छी लॉ कॉलेज में एडमिट होने के बाद? थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। इवेंचुअली एक वो था कि जाना है अच्छा कॉलेज में, तो मिल गया। बट IELTS का सोचा था शंकर राव पर आकर कुछ ना कुछ कमी रह गई शायद, तो उस वजह से, बट स्टिल आई एम हैप्पी विथ इट। ओके सलोनी, फाइन, नो इशू। इवन दिस कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ पुणे, सो आई थिंक जस्टिफाइड इनफ। हाँ, शायद एक दो मार्क्स की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए, बट नॉट एन इशू। इट हैपेंस समटाइम बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें MSCET 3 इयर्स में तो ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, तो कंपटीशन है और टॉप लॉ कॉलेजेस की सीट बहुत कम है। तो काफी बार होता है कि एक दो मार्क्स से आप अपने ड्रीम कॉलेज से थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। सो नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन एंड टॉप कॉलेजेस ऑफ पुणे। ओके सलोनी, सो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप एक टॉप लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया उसके बाद? ऑल आर वेरी हैप्पी विथ इट, बट मेरे को ही था थोड़ा सा। उन लोगों को तो सबको खुश थे वो लोग तो, कि हाँ चल बहुत अच्छा कॉलेज आ गया तेरा एक, सो दे ऑल आर वेरी हैप्पी विथ इट। ओके सलोनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दिस अचीवमेंट। एंड थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू नो कि आपने इस एग्जाम, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी जो है किस तरीके से करी? एक्चुअली मैंने क्लासेस तो काफी पहले से लाइव क्लासेस ज्वाइन करी थी, ये वाली बी एजुकेयर की। तो उसमें डेली डेली सेशंस होते थे वीकली, एक दो दिन में सेशंस होते ही थे वो ऑनलाइन वाले, तो वो तो था ही सही। ऊपर से मेरा 2 घंटे का फिक्स था कि डेली पढ़ना ही है, सो वो था। और एग्जाम के टाइम पे विद इन अ मंथ और 2 पहले से मैंने अपना टाइमिंग बढ़ा दिया था, और मैं मॉक बहुत सॉल्व करती थी एग्जाम के, ये बी एजुकेयर वाले, सो दे हेल्प मी अ लॉट फॉर द एग्जाम। ओके सो सलोनी, बेसिकली एज यू राइटली सेड कि ये एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड है, तो ना केवल कंसेप्ट को पढ़ना इम्पोर्टेंट है बल्कि उसके फिर MCQ सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है जैसे आप थे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स है, प्लीज गाइज इसको नोट डाउन कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहले समझना, फिर प्रैक्टिस करना, और इन सब के लिए टाइम अलोकेट करना अपनी पढ़ाई के लिए, बिकॉज एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसी राइटली सेट सलोनी, आपने एग्जाम के वक्त क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी सलोनी? ऐसी कोई बेसिकली मैं तो नॉर्मल पढ़ाई, जैसे मैंने 12th के एग्जाम्स दिए हैं वैसे ये एग्जाम भी, के हाँ देना है। तो पढ़ाई सुबह अर्ली मॉर्निंग एक मेरा 2 घंटे का जैसे सेशन ले लिया मैंने। फिर एक मेरे दिन में जरूर, दिन में मैंने बिल्कुल वो एक सोने की आदत होती है ना, कि दिन में सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बेसिकली दिन में ही होते हैं, ये वाले एग्जाम जो MSCET वाला एग्जाम। तो दिन वाले टाइम पे मैं MCQ सॉल्व करती थी, और फिर शाम को 2 घंटे का फिर ले लिया, और रात में जल्दी सोती थी ताकि सुबह जल्दी उठ के फिर वापस से स्टडी कर पाऊँ मैं, क्योंकि सेल्फ ओके, स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई, एक तरह से उसमें। करेक्ट करेक्ट, राइट सलोनी। एंड आप प्रैक्टिस जो है, जैसे आपने बोला कि आप प्रैक्टिस बहुत किया करते थे, आफ्टरनून में आप टाइम डेडिकेट किया करते थे, तो आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? बेसिकली सोर्स क्या था और आपकी जो स्ट्रैटेजी रही MCQ सॉल्व करने की एग्जाम के वक्त, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपने कैसे स्ट्रैटेजी फॉर्म करी? जो नोट्स थे बी एजुकेयर से आए हुए थे मेरे पास, उसमें पीछे हर टॉपिक के पीछे MCQs होते थे, 40-50, किसी के पीछे हंड्रेड्स भी होते थे, तो वो करती थी। और जो मॉक होते थे उसमें टाइम ऊपर टाइमर सेट होता था, तो वो भी मैंने बहुत, उससे टाइम पता अपन को कैलकुलेट हो जाता था, कि अच्छा अपन इतने टाइम में ये वाला सेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता था उससे। ओके ग्रेट, सो एज शी टोल्ड गाइस, उसके बाद एनालिसिस करना, टेस्ट देने के बाद फिर देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम लेके गया या कौन सा कंसेप्ट टाइम लेके गया। शी मीन्स इस एनालिसिस, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटली सेड सलोनी वंस अगेन।
एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि आपने एज अ लॉ एज अ करियर जो है आपने कब डिसाइड किया कि मुझे लॉ एज अ करियर अब फाइनल कर देना है? एक्चुअली 12th के बाद तो मेरा था कि बीकॉम कर लिया, ठीक है, हो गया, अब जॉब मिल जाएगी अपन को कहीं पर भी. फिर सडनली कुछ क्लिक किया कि नहीं यार, कुछ करना है अपनी लाइफ में एकदम, मतलब ऐसे बेसिक सी जॉब नहीं करनी है. तो फिर मम्मा ने भी बोला कि तेरे को जो करना है आगे. फिर मैंने उनको बोला मेरे को लॉयर बनना है, और मैं फर्स्ट जनरेशन ही रहूंगी, अपने घर में कोई लॉयर नहीं है, तो कभी कोई आगे कुछ था भी नहीं. फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी, ये सब देखा, फिर वहां से मुझे कोचिंग के बारे में पता चला, MHCT के एग्जाम के बारे में पता चला, फिर के हाँ, अब तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब तो लॉयर ही बनना है. दैट्स हाउ ये पूरा डिसाइड हुआ. मतलब कुछ ऐसा था नहीं कि आगे से, बहुत आगे से प्लानिंग कर रही थी मैंने, बट सडनली प्लान हुआ एंड वो हो भी गया. तो ओके फाइन सलोनी. सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, काफी बार होता है कि हम कुछ प्लान करके नहीं चलते, बस उस वक्त जो सही लगा हम वो कर देते हैं और वो शायद बेस्ट हो जाता है. जैसे आज आपके लिए वो बेस्ट है बिकॉज सडन प्लान हैज नाउ लैंडेड यू इनटू द टॉप कॉलेज ऑल्सो. सो दैट्स वेरी ग्रेट यस, सलोनी, इट्स वेरी ग्रेट. yes. ओके सलोनी, आप कोई टिप शेयर करना चाहोगी फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स के साथ? जो मेरा बैक रहा, जो मेरे 2-3 मार्क्स जैसे मैम कह रही हैं वो रह गए, तो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने हर जैसे GK लीगल बहुत फोकस किया इन सब चीजों पे, बट मैंने कहीं ना कहीं फोकस नहीं किया, तो वो था इंग्लिश. इंग्लिश को मैंने सोचा ऐसे ही अपन तो इंग्लिश में मतलब पढ़ते ही आ रहे हैं, अब बेसिकली बोलते ही हैं ऐसे, तो मैंने कहा हो जाएगा ये तो. बट उसकी इंग्लिश वे डिफिकल्ट है जो अपन नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं, अपन जो 12th तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि स्कोरिंग भी है ये सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली वो चीज है. बस आगे वाले बच्चों के लिए भी ये काम आ सकता है. डेफिनेटली. एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन सलोनी, कि लास्ट मोमेंट लास्ट डेज पे ना हमेशा बहुत एंजाइटी होने लगती है कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, किस डिफिकल्टी लेवल का पेपर होगा, या फिर जो हमें टारगेट हमने रखा हुआ है वो होगा नहीं होगा अचीव. तो लास्ट मोमेंट पे आपने रिवीजन कैसे किया और आपने कैसे खुद को जो है मेंटली प्रिपेयर करके रखा कि अब तो कुछ भी हो जाए हम तो ये एग्जाम मस्त एकदम टॉप करके ही रहेंगे? एंजाइटी तो बहुत हो रही थी एग्जाम के लास्ट, मतलब लास्ट आर तक भी था कि पता नहीं क्या होगा. लेकिन जो एक तो ब्रह्मास्त्र का जो सेशंस हुए थे, वो टीच आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे सेशंस लिए थे, मतलब आई रियली सेड के वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए तो. और मेरी मम्मा ने भी बहुत हेल्प की मेरी, वो हमेशा मुझे काम डाउन करती थी, ठीक है जो होगा जैसा होगा, पेपर अच्छा करके आना बस. सो यही था, बस ये सब चीजें थी. और रिवीजन तो मेरा मतलब पहले से स्टार्ट, क्योंकि 4 दिन का तो है नहीं है कि 4 दिन में आप पढ़ के एग्जाम दे सको, मैंने पहले से काफी रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो सब हेल्प किया मुझे. ओके ओके ग्रेट सलोनी. सो आई थिंक जो भी ये फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली उन्हें काफी कुछ सीखने मिला होगा और कुछ टिप्स भी उन्हें मिली होंगी कि किस तरीके से आपको आपका स्कोर मैनेज करके चलना है. और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सब एक साथ लेके चलना है. अगर 5 ईयर वाले हो तो आपको 5 सब्जेक्ट होंगे, और अगर 3 ईयर वाले हो तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे. तो सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. दिस इज द लेसन विच एवरी वन शुड बी नोइंग अबाउट. एंड आई थिंक सलोनी वॉज उसका मेहनत जो उसने स्टार्टिंग से किया हुआ था और डेडिकेशन जो था, इसीलिए वो अपना गोल के थोड़ा सा हल्का सा दूर रह गई, बट वो फिर भी ऑलमोस्ट गोल के आसपास पहुंच गई. सो ये मिस्टेक जो है हमें अवॉइड करनी है और सारे सेक्शंस इक्वली प्रैक्टिस करने हैं. बट सलोनी डिड अ ग्रेट जॉब. पहले से अगर वो बैलेंस नहीं रखती तो शायद वो थोड़ा सा और पीछे जाती, बट बैलेंसिंग अगेन स्टार्टिंग से डेडिकेशन वो होना चाहिए जैसे सलोनी में था. सो थैंक यू सलोनी फॉर दिस सेशन. एंड आई एम 100% श्योर के जो फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स है उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी. यू वेलकम डियर. चलो बी एडुकेयर फैमिली विशेज यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मे यू हैव अ वेरी ब्राइट करियर अहेड. थैंक यू सो मच.